हेलो स्टूडेंट्स कैसे सब सभी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2.4 करेंगे जिसका नाम है अपॉन वेस्ट मिस्टर ब्रिज इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा इसमें आपको मैं आइस ब्रेकर ब्रेन और जो मार्जिन क्वेश्चन है वो भी मैं कराने वाला हूँ तो इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना ठीक है।, है लेकिन हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक दिया है जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे ठीक है तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिया गया अब ब्रिज कनेक्ट पीपल एट अ रिवर और वैलीज इन सिटीज और विलेजेस डिस्कस विद योर पार्टनर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ब्रिज टू बोथ दी सिटीज एंड विलेजेस एंड कंप्लीट दिटीज यहां पर विलेजेजल में आपको लिखना है वो ये रहेगा ठीक है अभी देखो आपको सेकेंड में क्या दिया गया है बिल्डिंग अ ब्रिज नीड्स केयरफुल प्लानिंग थिंक अबाउट वॉट गोज ऑन बिफोर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन बिगे प्रॉपर प्लानिंग तो देखो यहां पर आपको जो लिखना है इसके आगे पॉइंट्स वो ये रहेंगे ठीक है अब देखो आगे क्या है यू माइट हैव विजिटेड अ ब्रिज कंप्लीट द वेब डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग द साइट यू कूड सी फ्रॉम द ब्रिज यहां पर देखो साइट्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम अ ब्रिज तो आपको ये जो चारों ब्लॉक में फिल करना है वो ये रहेगा ठीक है अभी आगे चलते हैं अब देखो अगले पेज पे आपको मार्जिन में कुछ दिया गया है हम देखते हैं क्या है यहां पर आपको बोले ये मेरे स्टूडेंट की बुक है तो उसने यहां पे मीनिंग से सब लिखे हैं आप इसे मत देखो मैं आपको बता दू आगे द गार्मेंट इज कंपेयर विथ द मॉर्निंग लुक्स ब्यूटिफुल बिकॉज तो देखो जो आंसर रहेगा इसका यह रहेगा अभी देखो आगे आपको कहे गेट्स द मीनिंग ऑफ द ग्रीडेथ गेट्स वॉट इज रिफर्ड टू एज द माइटी हार्ट तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा ठीक है अभी आगे देखते हैं आपको ब्रेन स्टॉमिंग में क्या दिया गया है यहां पर देखो देखो सबसे पहले क्या है फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोईम एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइम इज अ मस्ट डिस्कस विद योर पार्टनर एंड प्रिपेयर अ सेट ऑफ फाइव क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो आपको एक एक्जाम्पल दिया गया है वॉट इज द नेम ऑफ द ब्रिज तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं तो देखो जो आप लिखोगे क्वेश्चन बनाकर कुछ इस तरीके के रहेगा ठीक है अभी चलो आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया आपको इसमें क्या देखो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द गिवन लाइंस फोकस ऑन द ऑन द इंफ्लुस ऑफ द पोइट तो देखो इसमें पहला क्या है आपको इसमें देखो आपको फर्स्ट क्या है अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर द लाइन मीन्स तो आपका आंसर रहेगा थर्ड द पोर्ट थिंक्स दैट देयर इज नो प्लेस ऑन अर्थ व्हिच इज एज ब्यूटीफुल एज दिस वन ठीक है सेकंड no क्या है डल वुड बी वुड बी ऑफ सोल कुड पास बाय तो इसका जो आप, आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका थर्ड एनी वन विद एन अप्रीशिएटिव माइंड वुड नॉट बी एबल टू इग्नोर द ब्यूटी ठीक है अब देखो आगे आपको क्या है अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर दिस एन एक्सप्रेस द पोइट्स फीलिंग द साइट ही सो फ्रॉम द ब्रिज इज ब्यूटिफुल देर आर फ्यू मोर लाइन सिमिलर टू द अबोव विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर फाइंड देम एंड डिस्कस वॉट दे एक्सप्रेस तो इसका आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा अब आग देखो आगे क्या है आपको द पोएम क्रिएट्स अ डिलाइटफुल पिक्चर ऑफ द सिटी रिच इन इट्स नेचुरल ब्यूटी वर्क इन पेयर्स ग्रुप्स एंड पिक आउट द लाइन फ्रॉम द पोएम विच गिव द पिक्टोरियल इफेक्ट टू द पोएम राइट इट इन योर ओन वर्ड्स तो देखो इसका जो आंसर रहेगा वो आपको ऐसे लिखना है अभी देखो आगे आपको क्या है यहां पर क्या बोले फाइंड आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द फॉलोइंग वन इज डन फॉर यू साइट टचिंग इन इट्स मैजिस्ट्री तो बाकी एयर रिवर हाउस मॉर्निंग सन इसका आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो अब देखो आगे आपको क्या है रीड द लाइन यहां पर द सिटी नाउ डोट लाइक अ गार्मेंट वेयर द पॉइंट इमेजिन्स दैट द सिट इज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल गारमेंट हेन्स द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम तो देखो इसमें आप ये लिख सकते हो अब आगे क्या है डल वुड बी ऑफ सोल कु पास बाय द लाइन ऑफ द पोएम कैन बी री रिटर्न एज ही वुड बी ऑफ डल सोल द फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज इनवर्जन फाइंड आउट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन फ्रॉम द पोएम तो इसमें देखो आप यह लिख सकते होके okay. अभी देखो आगे आपको क्या दिया गया है यहां पर बोल रहे हैं The poem is Petrarchan sonnet. The poem is divided into two parts, an octave, the first part comprising eight lines, assisted. The second part comprising six lines. Read, uh, read the first four lines from the poem. The rhyme scheme is A B B A. Read the rhyme scheme from the next four lines. It is A B B A. Now read the first three lines uh, of the sestet and note the rhyme scheme. It is C D C. The rhyme scheme of the last three lines is D C D. दिस इज द कॉमन डिजाइन ऑफ पिटरकन सोनेट तो देखो यहाँ पर आप क्या क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पे आपको एक टेबल में फिल करना है ठीक है यहाँ पे फीचर्स है यहाँ पे एग्जाम्पल्स लाइन्स आपको लिखनी है ठीक है तो देखो जो टेबल आप फिल करोगे कुछ इस तरीके से आपको लिखना है अभी देखो आगे आपको क्या है द प्राइड ऑफ एनी सिटी इज इट्स स्काई लाइन राइट फाइव लाइन्स अबाउट द प्लेस वेर यू लिव एंड वॉट मेक्स यू फील प्राउड अबाउट इट तो देखो इसका जो आंसर रहेगा वो आप इस तरीके से लिख सकते हो या अपने ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो अभी देखो आपको आगे क्या है फिफ्थ में देर इज अ कॉमन बिलीव दैट सिटीज हैव ऑलवेज फ्लरिश्ड ओनली आफ्टर ह्यूमन इंटेलिजेंस और नेचर Write a speech expressing your opinion about it. तो देखो इसका जो आंसर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। रहे अब आगे क्या है? Compose a poem on imaginary village. Try to maintain the rhyme scheme in the poem. You may begin like this: Settled on the bank of river, like a queen, is my beautiful village, full of bushes green. तो इसमें देखो जो आपको लिखना है वो इस तरीके से रहेगा। अब देखो आगे क्या है राइट एंड्रीसिएशन ऑफ द दोनेट रिफर टू द अर्लियर पोएम्स फॉर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड फॉर एप्रिसिएशन तो इसका आंसर आपका ये रहेगा अभी देखो आगे आपको क्या है अगले पेज पर राइट समरी ऑफ द दोनेट रिफर द अर्लियर पोएम्स फॉर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड फॉर राइटिंग द समरी तो इसका आंसर आपका ये रहेगा अब देखो आपको आगे क्या है वाइल्ड बिल्डिंग अ ब्रिज अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टूगेदर दे आर आर्किटेक्चर्स डिजाइनर्स इंजीनियर्स ऑफिसर्स मेस पॉलिटिशियंस बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स कारपेंटर्स एक्सेट्रा राइट अबाउट द द्वालिफिकेशन ऑफ दिस पीपल चूज एनी करियर फ्रॉम द लिस्ट अबो एंड कंप्लीट दिखो यहां पर यूर चॉइस ऑफ करियर करियर्स स्किल क्वालिफिकेशन तो इसमें जो आपको फिल करना है आप इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है देखो अभी लास्ट में आपको गया है प्रोजेक्ट यू एन बिलू आर फ्यू फेमस ब्रिजेज इन इंडिया फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम एंड राइट इन योर नोट बुक दाहौरा ब्रिज लक्ष्मण झूला पम्बन ब्रिज एंड वर्ली सीलिंग तो देखो इसका जो आंसर आपको है ये आपको प्रोजेक्ट है आपको रिसर्च करना है उसके बाद लिखना है आपको ठीक है ये आपको अपने खुद से करना है तो देखो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है टू पॉइंट फोर कंप्लीट हो गया है अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा टू पॉइंट फाइव जिसका यह नाम है नोज़ वर्सेज आइज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला चैप्टर भी मिले और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो थैंक यू